जैन दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की एक डील कैंसिल होने के लिए भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल गई है। भारत को एक ऐसा हथियार मिल सकता है जो केवल सिर्फ अमेरिका के पास ही है। दरअसल दोस्तों, क्या है मामला विस्तार से जानेंगे छोटी से वीडियो के माध्यम से, जो कि दुनिया भर के एडवांस से एडवांस रडार सिस्टम को चकमा देने में पूर्णतः सक्षम है। और अमेरिका के इस हथियार के नाम मात्र से ही अच्छे अच्छे देशों की हवा खराब हो जाती है। और इस हथियार की कैपेबिलिटी का पता इसी बात से लगता है कि यदि अमेरिका इस हथियार से किसी देश के ऊपर हमला करता है तो कुछ ही समय के अंदर वो देश स्टोन के अंदर पहुंच जाएगा। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है B-21 रडार हथियार की। अब सभी मित्रगणों को बताना चाहूंगा, ये एक 6th जनरेशन का हथियार है और इसे अमेरिका ने अभी से 6 महीने पहले ही लॉन्च किया है। और एक बात दोस्तों, चाइनीज नेवी के एक बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि हम अमेरिका से कुछ B-21 रडार बॉम्बर हथियार खरीदेंगे, क्योंकि B-21 रडार एक बहुत ही ज्यादा महंगा और एक्सपेंसिव बॉम्बर हथियार है। और इसकी कीमत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि लगभग बैंक करप्ट हो गए पाकिस्तान ने IMF से लोन मांगा था, जो कि पाकिस्तान ने डिमांड करी थी $1 बिलियन। और इस आंकड़े को कंपेयर किया जाए अमेरिकन बॉम्बर की कीमत के साथ तो दोस्तों वो करीब $729.25 मिलियन है। यदि बात की जाए भारतीय करेंसी की तो करीब 6,000 करोड़ के आसपास। और ऐसे में यदि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस बॉम्बर को खरीदा जाता है तो इस बॉम्बर की कीमत के साथ साथ इस बॉम्बर में जो हथियार लगेंगे वो भी ऑस्ट्रेलिया को खरीदने ही पड़ेंगे, और जिनके साथ इस बॉम्बर की कीमत हो जाती है करीब $1 बिलियन। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से फैसला लिया गया कि हम अमेरिका से इतना ज्यादा एक्सपेंसिव और महंगा बॉम्बर नहीं खरीदेंगे। यदि हमें जरूरत पड़ती है तो हम अमेरिका से उसका F-35 फाइटर जेट खरीद लेंगे, जिससे कि दोस्तों अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया को बॉम्बर हथियार बेचने का सपना धरा का धरा रह गया। और अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों, अमेरिका की तरफ से इस बॉम्बर हथियार को भारत को ऑफर किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों एशिया रीजन में चाइना के बाद भारत ही ऐसा देश है जो कि इस महंगे बॉम्बर को खरीद सकता है और इसे अफोर्ड भी कर सकता है। और हो सकता है दोस्तों भारत सरकार इस बॉम्बर को खरीदने के ऊपर विचार भी करे, क्योंकि दोस्तों मौजूदा समय में जिसके पीछे रीजन भी है दोस्तों, चाइना ने LOC के पास अपने बॉर्डर क्षेत्र में अपने बॉम्बर हथियारों की फ्लीट खड़ी कर रखी है। और ऐसे में भारत यदि अमेरिका के B-21 रडार बॉम्बर्स को खरीद लेता है 5 की संख्या में भी केवल, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि वो चाइना की पूरी फ्लीट को ही रगड़ के रख देंगे, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है, चाइनीज हथियार अक्सर यूरोपियन हथियारों की कॉपी ही होते हैं। बाकी मैं आप सभी जनता जनार्दन से जानना चाहूंगा कि भारत को क्या B-21 रडार बॉम्बर हथियार अमेरिका से खरीदना चाहिए। अपने वैल्यूएबल विचार कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।